हेलो, तो हम लोग आ गए हैं एक और नई बिगिनिंग के साथ, नए स्टार्टिंग के साथ। अभी ये क्रॉस लेंथनिंग हुआ है इनका। टारगेट क्योंकि ज्यादा है, यूजुअली से 5 to 6 inch का टारगेट है, एटलीस्ट 14 to 15 centimeter का टारगेट है, इसलिए उन्होंने ये क्रॉस लेंथनिंग कराया है। इसमें लेफ्ट लेग का टिबिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं आप ये फ्रेम, और राइट का ये फीमर। के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप लोग फीमर करते हैं, तो हम लोग फीमर रेगुलर करते हैं, ऐसा ही है। अगर बायलेटरल कराते हैं तो ये वाला फ्रेम दोनों लेग्स में लगा रहता है, और क्रॉस कराते हैं तो एक में लगता है। ये है फीमर का फ्रेम, फीमर का फ्रेम। इसमें सीडी यूनिट ये अटैच है, इसी से ये लेंथनिंग होती है। ये पूरा फ्रेम है, एक इसमें और सीडी यूनिट लगेगी, और ये है, ये तो आप देखते हैं एलिजारो फ्रेम, जो कि हम टिबिया लेंथनिंग के लिए यूज करते हैं। तो आज इनका फोर्थ डे है सर्जरी से, तो अभी कैसा एक्सपीरियंस है आपका, कैसा फील? इनिशियली जब मैं सर के पास आया था, सर ने पहले से ही मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि कैसे कैसे प्रोसेस होना है, पूरा प्रॉपर डेमो दिया था, और इवन मेरे पेरेंट्स को भी काफ़ी जानना था, तो उनको भी पूरी डिटेल्स दी गई और कैसे कैसे ऑपरेशन कहाँ होना है, क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या इंक्लूडेड है, सब इवन वीडियोज़ हैं इनकी, उन डिटेल्स ऑलरेडी शेयर की थी। फिर भी सर ने कैसे एक्स्ट्रा स्टेप लेके और भी मतलब अपने हिसाब से पूरा समझाया चीज़ें। उसके बाद फिर ये ऑपरेशन किसी होने से पहले जो सर्जन है उनसे मिलवाया, उनने सारी डिटेल्स प्रॉपर बताए, पूरा बता दिया कि सपोर्ट स्टाफ सब सही है, हमारा एक्सपीरियंस है, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई भी अगर दिक्कत आए तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस, विल डेफिनेटली प्रोवाइड एज सून एज पॉसिबल द बेस्ट सर्विस। जैसा कहा वैसा अभी तक तो मुझे लगा है ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। एंड यस्टरडे मुझे थोड़ा सा ये मेडिकल स्टाफ का यहाँ पे थोड़ा मुझे इशू लगा, तो सर ने प्रोएक्टिवली तुरंत उस पर एक्शन लिया, और जो भी यहाँ पे सीनियर है वो आ भी गए एकदम, और उन्होंने दोबारा से डिस्कस किया जो भी इशू था, और वो उसी के सेम डे रेक्टिफाई हो गया। कल भी सर आए और सर्जन जो थे वो भी आए, उन्होंने भी सेम चीज़ चेक करी, एंड कल थोड़ा सा उनको उनके हिसाब से ये लगा कि चीज़ें प्रॉपरली फॉलो अप नहीं हो रहा है, तो उन्हें स्ट्रिक्टली सब चीज़ें चेक करके और जो जो मेडिसिन है दी जानी चाहिए, किस टाइम पे क्या देना चाहिए, वो दोबारा से रिवाइज करवाया मेडिकल स्टाफ को, नर्सेस को, और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जैसा कहा है वैसे ही होना चाहिए, और रिपोर्ट्स प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए, अपडेट डेली होना चाहिए। तो इनिशियली तो मुझे ये लगा कि जैसे हर कोई जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ ये लगता है कि लोग सिर्फ कहते हैं और बस करते नहीं हैं, बट यहाँ आके मुझे लग रहा है कि इनकी जो मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं कि सिर्फ वो वीडियो सिर्फ एक दिखावा नहीं है, रियल है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैंने खुद में वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ सही में दिख रही है, एक्सपीरियंस हो रहा है। इवन मेरे पेरेंट्स भी, हालांकि वो इस सर्जरी के लिए कन्विंस नहीं है, पर वो इस चीज़ से खुश है कि देयर सन इज इन सेफ हैंड्स, और जैसे जैसे दिन जा रहे हैं प्रॉपर फॉलो हो रहा है हर टीम से, हर टीम मेंबर देख के जाता है, चेक करता है, दर्द नहीं है या कुछ, अगर उन्हें स्लाइटली भी थोड़ा चीज़ लगती है तो इमीडिएट उस पर एक्शन लिया जाता है। और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ ओवरऑल तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, और अगर कोई अगर करवाना चाह रहा है, कोई प्लान कर रहा है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन इन दिल्ली एनसीआर। तो ये ना हमारा हाइट इंक्रीज इन्फो का इनिशियल इनका इंटरव्यू, बाकी इनका स्टेज बाई स्टेज आप जानेंगे। अभी तो जैसे स्टार्टिंग ही है, लेंथनिंग स्टार्ट करेंगे 7 to 8 day, उसके बाद जो जैसे कि हमारे यूजुअल इंटरव्यूज आते हैं इनकी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग, वो आप लोग हमारे चैनल पे देख सकते हैं। Of your toes.